जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नवरात्र में देवी कृपा प्राप्त करने के कुछ सरल प्रयोगों के बारे में। शक्ति प्राप्ति के लिए देवी आराधना की सुगमता के कारण मां की करुणा, दया, स्नेह का भाव किसी भी भक्त पर सहजी हो जाता है। यह कभी भी अपने बच्चों यानी भक्तों को किसी भी तरह से अक्षम या दुखी नहीं देख सकती। उनका आशीर्वाद भी इस तरह मिलता है जिससे साधक को किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, वह स्वयं सर्वशक्तिमान हो जाता है। माता की प्रसन्नता के लिए कभी भी उपासना की जा सकती है क्योंकि शास्त्राज्ञा में चंडी हवन के लिए किसी भी मुहूर्त की अनिवार्यता नहीं है। नवरात्रि में इस आराधना का विशेष महात्म होता है। इस समय के तप का फल कई गुना व शीघ्र मिलता है। इस फल के कारण ही इसे कामदूधा काल भी कहा जाता है। देवी या देवता की प्रसन्नता के लिए पंचांग साधन का प्रयोग करना चाहिए। पंचांग साधन में पटल, पद्धति, कवच, सहस्रनाम और स्रोत है। पटल को शरीर, पद्धति को सिर, कवच को नेत्र, सहस्रनाम को मुख तथा स्रोत को जीवा कहा जाता है। इन सब की साधना से साधक स्वयं देवतुल्य हो जाता है। सहस्रनाम में देवी के 1000 नामों की सूची दी जाती है। इसमें उनके गुण हैं व उनके कार्य के अनुसार उनको नाम दिए गए हैं। सहस्रनाम के पाठ करने का फल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन नामों से हवन करने का भी विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। इसके अंतर्गत नाम के पश्चात नमः लगा करके स्वाहा लगाया जाता है। हवन की सामग्री के अनुसार उस फल की प्राप्ति होती है। सर्व कल्याण व कामना पूर्ति हेतु इन नामों से अर्चन करने का प्रयोग भी अत्यधिक प्रभावशाली बताया जाता है, जिसे सहस्रार्चन का नाम दिया जाता है। सहस्रार्चन के लिए देवी के सहस्र नामावली, जो कि बाजार में, पूजा पाठ की दुकानों में, पुस्तकों की दुकानों में बहुत आसानी से उपलब्ध है, उसकी आवश्यकता पड़ती है तो आप पूजा की दुकानों में जाइए या जहां धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं जाकर के आप उनसे बोल दीजिए कि दुर्गा सहस्र नामावली आपको दे दें, तो दुर्गा के 1000 नामों की जो सूची होती है, जो नामावली है, वह पुस्तक वो आपको दे देंगे। इस नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर या देवी के दुर्गा यंत्र पर या फिर देवी का आवाहन किसी सुपारी पर करके प्रत्येक नाम के उच्चारण के पश्चात नमः बोल करके भी देवी की प्रिय वस्तु को अर्पित करना चाहिए यानी चढ़ाना चाहिए। जिस वस्तु से अर्चन करना हो वह शुद्ध, पवित्र, दोष रहित हो और 1000 की संख्या में होनी चाहिए क्योंकि सहस्त्र का अर्थ होता है 1000। तो जब आप सहस्त्रार्चन करेंगे यानी देवी भगवती के 1000 नामों से उनकी अर्चना करना। अर्चन में बिल्वपत्र, हल्दी, केसर या कुमकुम से रंगे हुए चावल, इलायची, लौंग, मेवे में काजू, पिस्ता, बादाम, गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियाँ, मोगरे के फूल, चिरौंजी जिसे आम बोलचाल की भाषा में चारौली भी कहते हैं, किशमिश, सिक्का यानी 1-2 रुपए का सिक्का, जैसे भी आपके सामर्थ्य हो आदि का प्रयोग करना, यह शुभ होता है और देवी को प्रिय भी होता है। यदि अर्चन एक से अधिक व्यक्ति एक साथ करें तो नामों का उच्चारण कोई एक व्यक्ति करे तथा अन्य व्यक्तियों को नमः का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अर्चन की सामग्री प्रत्येक नाम के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अर्पित करना चाहिए। अर्चन के पूर्व पुष्प, धूप,
दीपक से नैवेद्य आपको भोग अर्पित करना है। दीपक इस तरह होना चाहिए कि पूरी अर्चन प्रक्रिया तक वह प्रज्वलित होता रहे। अर्चनकर्ता को स्नानादि से शुद्ध होकर के धुले स्वच्छ वस्त्र धारण करके मौन रह करके अर्चन करना चाहिए। मौन रहने से तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि आप मंत्र का जाप नहीं करेंगे। मौन रहने से कई लोग ये अर्थ लगा लेते हैं, इसका अर्थ ये समझ लेते हैं कि जब हम मौन रहेंगे तो मंत्र का उच्चारण कैसे करेंगे। मौन रहने से तात्पर्य यहाँ ये है कि आप व्यर्थ की बातचीत हंसी मजाक ना करें, आप शांत रहें, पूरा मन देवी भगवती की साधना में लगाएं। इस साधना काल में आसन पर बैठना चाहिए तथा पूर्ण होने के पूर्व उसका त्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। अर्चन का उपयोग में प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है अर्चन के उपरांत किसी साधक को, किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में दान दे देना चाहिए। कुमकुम से भी अर्चन किए जाते हैं, इसमें नमः के पश्चात बहुत थोड़ा सा कुमकुम देवी पर अनामिका, मध्यमा और अंगूठे के उपयोग करके चुटकी से चढ़ाना चाहिए। बाद में उस कुमकुम को स्वयं आप अपने पास रख सकते हैं या अपने परिजनों को, मित्रों को, भक्तों को तिलक के स्वरूप में, प्रसाद के रूप में तिलक के लिए आप बांट सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। सहस्त्रार्चन नवरात्र काल में एक बार कम से कम अवश्य करना चाहिए। इस अर्चन में आपके आराध्य देवी की अर्चना बहुत अधिक लाभकारी होती है। अर्चन प्रयोग बहुत प्रभावशाली, सात्विक व सिद्धिदायक होने से इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। ये तो बात रही देवी की आराधना की, अर्चन की। इस अर्चन की प्रक्रिया को कैसे करना चाहिए ये मैंने आपको जानकारी दी। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।